सभा का जो प्रोटेस्ट चला था इसके बारे में सूख समय हमारे जो रूपेश भाई हैं, दूसरा एक चीज मैं और ये बता दूं कि ये हमारा बड़ा अच्छा सौभाग्य है हमारे क्षेत्र का भी किसान साथियों का भी नेतृत्व, चूंकि किसान सभा एक ऐसा संगठन है किसी एक का नेतृत्व नहीं होता, और एक किसान जिसने हमें 1 घंटे टाइम दिया है या कोई 18 दिन मिल रहा है या 66 दिन में बैठा है, हर एक किसान का उसमें सहयोग है, हर एक समाज के जो व्यक्ति का उसमें सहयोग है। लेकिन उसके बावजूद हमारे अधिवक्ता साथी द्वारा जो रूपेश वर्मा डॉक्टर रूपेश वर्मा है उनके द्वारा जो सक्रिय भूमिका उसमें निभाई गई है उसके लिए भी हम बार एसोसिएशन की तरफ से रूपेश भाई का जो है बहुत बहुत काफी स्वागत करते हैं। अब मैं उनको कहूँगा कि रूपेश भाई आए और इस आंदोलन में इस विषय में जो रिपोर्ट है सदन के सामने रखें। डॉक्टर रूपेश वर्मा सबका हम किसान सभा की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। ये प्रोग्राम हमने कई जगह रखे हैं और जिन साथियों ने हमारे आंदोलन में मदद की है उनका हमने हर जगह आभार व्यक्त किया। थोड़ा संक्षेप में मैं बता दूं कि बहुत पुराने लंबे प्रश्नों को लेकर के हम लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत की और बहुत जटिल मसले जिसमें 10% प्लाट जिन लोगों की ज़मीनें नहीं है उनके लिए रोजगार, जो नया कानून है उसके तहत प्रभावित परिवारों को नए कानून के लाभ, क्योंकि हमारे जिले में सर्कल रेट का रिवीजन 2012 से नहीं और हमारे यहाँ जो नया कानून है वो पूरी तरह लागू नहीं किया गया और बहुत कम दाम में जमीन 3500 रुपये मीटर में खरीदने 72,000 रुपये मीटर में बेची जा रही और जो भी कोई प्राधिकरण के थ्रू दवा जुटाने की कोशिश करता जब से पुलिस कमिश्नरेट यहाँ पर बनी है तब से और ज़्यादा निरंकुशता यहाँ बढ़ी है। आप साथियों ने इस पूरे माहौल में जब दमन उत्पीड़न पुलिस की तरफ से बहुत ज़्यादा बढ़ा, वकील साथियों बड़ी संख्या में पूरे समर्थन के साथ किसान आंदोलन की मदद में आ रहा है और बहुत उल्लेखनीय रूप से किसानों की मदद आपने की है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य है न केवल हड़ताल का काम हुआ, न केवल ज्ञापन देने का काम हुआ, बल्कि जिन मुकदमों में जेल में बंद साथियों में फर्जी मुकदमे दर्ज करके पर्ची भेजी गई उसमें हमारे बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बहुत ऊंची लेकर के पूर्व पदाधिकारियों ने बहुत ऊंची लेकर के और तमाम हमारे प्रतिवक्ता साथी यहाँ बैठे हैं और बहुत सारे साथी जो यहाँ नहीं बैठे हैं उन्होंने बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए, न केवल हमारा मोरल बढ़ाया बल्कि हमारी कोर्ट के स्तर पर पर्सनल कोर्ट में हमारी बेल कराई। ये बहुत बड़ी मदद आपकी तरफ से पूरे किसान आंदोलन को हुई है। ग्रेटर नोएडा के 55 गांव हैं, 81 गांव जो नोएडा के और 1200 गांव को यमुना प्राधिकरण ने नोटिफाइड है। जिस मुद्दे को लेकर